Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject PVS of class 1 chapter 3. So let's begin now. The name of the chapter is a family, matlab ek parivar. आप देख रहे हैं इस फिगर में भी फैमिली दिखाई जा रही है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे. अ फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, मतलब एक पिता माता और उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, परिवार बनाते हैं. फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स, जो फादर और मदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं, पेरेंट्स. और फैमिली लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, एक परिवार जो होता है वो एक साथ एक घर में रहता है. दस पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म अ फैमिली, इसीलिए पेरेंट्स और उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं. Some families are small families. कुछ families क्या होती हैं, small families होती हैं, मतलब छोटे परिवार होता है वो. A small family has parents and one or two children. जो एक छोटा family होता है, एक छोटा परिवार होता है, उसमें कौन कौन होता है, parents होते हैं और एक या दो बच्चे होते हैं. Parents किसे कहते हैं, फादर और मदर को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं. ओके, अ स्मॉल फैमिली इज एन आइडल फैमिली, एक जो छोटा परिवार होता है वह एक सुखी परिवार होता है. मतलब छोटा परिवार होता है तो वो क्या होता है, सुखी परिवार होता है या आइडल फैमिली होता है. सम फैमिलीज आर लार्ज फैमिलीज, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, मतलब कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कि बड़े परिवार होते हैं. अ लार्ज फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड मोर देन टू चिल्ड्रन, एक बड़े परिवार में कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और उनके दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं. पेरेंट्स मीन्स क्या होते हैं, पहले ही मैंने बताया था, फादर एंड मदर, हाँ, और उनके दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वो लार्ज फैमिली हैं. इस स्मॉल फैमिली में कौन कौन होता है, फादर मदर और उनके एक या दो बच्चे. और लार्ज फैमिली में कौन कौन होता है, फादर मदर, ये देखिए फिगर में दिया है ना, फादर मदर और उनके दो से ज़्यादा बच्चे, मतलब लगभग तीन बच्चे, तो उनको क्या कहते हैं, लार्ज फैमिली. सम फैमिलीज आर जॉइंट फैमिलीज, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, जॉइंट फैमिलीज कहलाते हैं. जॉइंट फैमिलीज में कौन कौन होता है, चलिए हम पता करते हैं. इन अ जॉइंट फैमिली, मतलब एक जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा और दादी, जिन्हें कहते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. ओके, पेरेंट्स, पेरेंट्स किसे कहते हैं, फादर एंड मदर, फादर मदर मिलके क्या बनते हैं, पेरेंट्स. अंकल्स आंटीज, चाचा और चाची, अंकल मीन क्या होता है, चाचा और आंटी मीन्स चाची. एंड दियर चिल्ड्रेन लीव एंड दियर चिल्ड्रेन ऑल लीव टुगेदर इन द इन अ हाउस, ये सभी मिलकर एक घर में रहते हैं जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, जॉइंट फैमिली कहा जाता है. अब आप अपनी फैमिली देखिएगा कि आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, स्मॉल फैमिली है या फिर लार्ज फैमिली है. तो जॉइंट फैमिली समझ में आया, जिसमें कौन कौन रहता है, दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची और उनके सभी बच्चे एक साथ रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं. ये जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो अ लार्ज फैमिली, एक जॉइंट फैमिली को भी क्या कहा जा सकता है, लार्ज फैमिली, मतलब बड़ी फैमिली कहा जा सकता है. आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग अपना अपना एक्सरसाइज अपने बुक में करिएगा. ओके, टेक द करेक्ट आंसर्स,
इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और जो सही आंसर, यहाँ तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है उस पर ये रेड कलर का मार्क है, तो आप भी अपनी बुक में ऐसे मार्क कीजिएगा पेंसिल से। फर्स्ट, द फैमिली विच हैज़ पेरेंट्स एंड मोर देन टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड, मतलब एक परिवार जिसमें पेरेंट्स होते हैं और दो बच्चों से ज़्यादा, मतलब दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? लार्ज फैमिली कहेंगे। ओके, लार्ज फैमिली में आपको टिक करना है, स्मॉल फैमिली में नहीं। ओके, सेकंड है, फादर एंड मदर इन अ फैमिली आर कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया ना, फादर और मदर मिलकर क्या कहलाते हैं एक फैमिली में? पेरेंट्स कहलाते हैं। ओके, थर्ड, अ स्मॉल फैमिली हैज़ वन और टू, एक जो छोटा फैमिली होता है उसमें एक या दो कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, मतलब चिल्ड्रेन। ओके, चिल्ड्रेन पे आपको मार्क करना है। अब यहाँ देखिए ओरल क्वेश्चंस हैं, इसमें पूछ रहा है विच टाइप ऑफ फैमिलीज डू यू हैव, मतलब आपकी फैमिली कैसी है या आपको पता करना है। ओके, सेकंड पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स लीव इन योर हाउस, सेकंड कह रहा है आपके घर में, आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, मतलब कितने लोग आपके परिवार में रहते हैं। नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यहाँ एक हेल्प बॉक्स दी गई है, अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी तो इस हेल्प बॉक्स से आप हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म अ फैमिली, मतलब पेरेंट्स जिसमें मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं, मतलब फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग क्या है? एफ ए एम आई एल वाई। ओके, नाउ सेकंड, अ लार्ज फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड मोर देन डैश चिल्ड्रन, मतलब एक बड़ी फैमिली, मतलब एक लार्ज फैमिली जिसमें पेरेंट्स होते हैं और बच्चे कितने होते हैं? कितने से ज़्यादा? दो से ज़्यादा, मतलब कितना लिखा जाएगा? टू, टी डब्ल्यू ओ, टू। थर्ड, पेरेंट्स एंड मदर, सॉरी, फादर एंड मदर आर कॉल्ड, फादर और मदर क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स कहलाते हैं। फोर्थ, अ स्मॉल फैमिली इज एन डैश फैमिली, एक स्मॉल फैमिली क्या कहलाती है? आइडल फैमिली कहलाती है। ओके, मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी समझा दिए हैं, अब आपको होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन आंसर्स और सारे एक्सरसाइज आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।